नमो नम मे लाइव बी मंत्रमय आर्टिकल नंबर टेन भागः द्विताग ब्रह्मचर्य एस एल अभ्यंकर मुंबई अक्टूबर सिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी द प्रोलॉग अबाउट संस्कारा देर् वॉज द मेन्शन ऑफ अ ट्रेडिशन ऑफ् एज मनी एजोश सिक्क्टीन संस्कार गर्भाध पुंसवन सीमंत जातकर्म नामकरण कर्णभद निष्क्रमण अन्न चूड़ाकर्म विद्यारंभ उपनयन वेदारंभ केशा सवर्तन विवाह अंत्यष्टि वन इंटरेस्टिंग डेफिनेशन ऑफ संस्कार वाज ऑलसो मेन्शन एज संस्कार स बजा पदार्थो योग्य क्यों

इज गीता सिक्सटी डैश ट्वेंटी फोर पतछेदि तस् शास्त्र प्रमाण ते कार्य अकार्य व्यवस्थित ज्ञाप्वा शास्त्र विधान उक्त कर्म कर हेन्स फॉर यू कार्य अकार्य respect ऑफ what शुड बी डन एंड what शुड नॉट बी डन regarding डूज एंड don'ts शास्त्रम May the sciences, including the science of logical thinking, the scientific approach, pramanam, be your norm. Ehe, here and now, anytime, anywhere, arhasi, you merit, karmakartum, indulgence in actions, shastra-vidhanuktam jnatva, knowing, recalling what is stated in the sciences and the methodologies. Most interpreters seem to interpret shastram and shastra-vidhanam as injunctions of scriptures. My interpretation is based on direct meanings of Shastram, sciences, Shastra Vidhanam, methodologies, which seem to be more appropriate for advice on the battlefield. But for the context of performing samskara, the meaning of Shastram and Shastra Vidhanam as injunctions of scriptures is also appropriate. Among the Shodasha 16 Samskaraha, I think the important ones are. नंबर टेन विद्यारंभ नंबर इलेवन उपनयनम एंड नंबर फिफ्टीन विवाह सिंस नंबर इलेवन उपनयन संस्कार इज पर्फॉर्म बिफोर सेंडिंग द चाइल्ड टू गुरुकुलम, द रेसिडेंशियल स्कूल कंडक्टेड बाय अ बाय दिस धिस् संस्कार द चाइल्ड ऑफ एन बॉय इम बाइब्स एंड रिस्पेक्टफुलनेस एंड बिकम्स फिट फॉर गोइंग टू गुरुकुल गुरुकुलम

सत्या न प्रमदीतव्य नेवर बी अवे फ्रॉम ट्रुथ धर्मा न प्रमदीतव्य नेवर बी अवे फ्रॉम राइचसनेस कुशला न प्रमदित नेवर अर् इन पुटिंग युर बेस्ट एफर्ट भूत न प्रमदीत नेवर अर् इन एक्नोलजिंग हिज एक्जिस्टन्स स्वाध्याय प्रवचनाभ्या प्रमदित नेवर डाइग्रेस फ्रॉम सेल्फ स्टडी सेल्फ प्रैक्टिस एंड प्रवचन प्रोफेसिंग इट देवितृकार्याभ्याम न प्रमदत इन ड्यूटी इज रिलेटेड टू द गॉड एंड एंड टू द एल्डर्स वन शुड नॉट अर् मातृदेव बी वन फॉर हूम मदर इज़ गॉड ओनली पितृदेव बी वन फॉर हुईज गॉड ओन्ली आचार्य देव बी वन फॉर हूम टीचर इज गॉड ओन्ली अतिथिदेव बी वन फॉर हूम अ गेस्ट इज गॉड ओनली यन कर्मा तेवित नो इतरा दोज ड्यूटीज विच आर्ट् अन्स्पीकेबल दट् मीन विच आर् लॉडेबल विच स्पीकेबल शुड बी इंडल इन टू नॉट् अदर्स यस्क सुचरिता यू शुड एडोप दोज ऑफ अवर प्रैक्टीसे आर आर्ेनिफिसेट लॉडेबल द लास्ट मंत्रक सुचरिता तािंग्स टू मैंड अनदर मंत्र आनोभद्र कृतव यन विश्व ऋग्वेद वन डैश एटी नईन ढैश वन टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिट्वी येस्माकता एंड आनोभद्र कृतवो यंत विश्व वी नीड टू स्टडी देर मीनिंग्स यकता वोटेवर् आर् अस्मा अवर् सुचरिता है गुड कॉन्डक्टा वायु उपायानी बीम बाइब्ल आनो भद्रा कृतव यन विश्व देर टू वेज ऑफ इंटरप्रेटिंग दिस दिस्को आ न भद्रा कृतव यू विश्व टेकिंग आ इन द बिगिनिंग एज एन एक्सक्लेमेटरी ऑफ प्रेयर और ऑफ इन्विटेशन और ऑफ अपील टू द दैट दट नवर भद्रा गुड क्रतव थॉट्स वर्ड्स एंड डीड्स यंत मे स्प्रेड अक्रॉस विश्व द यूनिवर्स आ न भद्रा कृतव यु विश्व सिंस इन वैदिक टेक्स देर इज अ प्रैक्टिस ऑफ सेपरेटिंग द प्रीफिक्स आ फ्रॉम द वर्ब द वर्ब टू बी रेड कैन बी टेकन टू बी आ देन आ न भद्रा कृतवा यु विश्व न अटुअस् भद्रा गुड नोबल कृतव थाट्स वर्ड्स एंड डीड्स आम टू मे कम विश्वतः फ्रॉम दि वर्ल्ड बेसिकली इट इज अ मंत्र ऑफ़ यूनिवर्सल अपील वेदर ऑफ गुड थाट्स वर्ड्स एंड डीड्स कमिंग अन् टू और दीज स्प्रेडिंग अक्रॉस द यूनिवर्स नोट अवर है गुड कॉन्डक्ट्स तोज तवया उपास

Now, Brahmacharyam is often interpreted as celibacy, but as such it is a compound word having components Brahma and Charyam, and hence can be interpreted as Brahmaevacharyam yatha tat Brahmacharyam. Hence, Brahmacharyam is such that only Brahma is practiced. That leads to inquiry of how Brahma is practiced. Following shlokah in Gita details that beautifully. ब्रह्मपण ब्रह्म विर्ब्रह्मा ब्रह्मण होते गं ब्रह्मकर्मसमाधिना स्रह्मार्पण ब्रह्मणे अर्पणमित ब्रह्मार्पणम ऑफरिंग ईज अन् टू ब्रह्म ब्रह्म हवि इज़ ऑफर्ड हवि इज ब्रह्म ब्रह्मणा हूत वन डूइंग द ऑफरिंग इज ब्रह्म ब्रह्म तेन ग्हाट् इज टू बी रीच्ड व्हाट इज टू बी एटेन्ड इज ब्रह्म ब्रह्मकर्म सधि ब्रह्मकर्मणि सधि ये तेन समाधिमत मेडिटेटिंग डिवाउट पायस ब्रह्मकर्म समाधिन वन हुईजीवट् अबाउट ब्रह्मकर्म वन फोकस्ड टोटली इन ब्रह्मकर्म द मीनिंग इन पॉइंट नंबर फाइव ब्रह्मकर्म समाधिन मीन्स वन हु इज डिभाट अबाउट ब्रह्मकर्म वन फोकस्ड टोटली इन ब्रह्मकर्म Prompts an inquiry about what basically is Brahma Karma. This is clarified as Shamoodamasta Pashavtam Shanti Raja Vamayocha Jnana Vidyanam Vidyanam astikyam Brahma Karma Swavajam 18 42 Gita shamaha, Sham Ghain Quiet, tranquility, calmness Dhrithimna Vindam Ishamancha Vishnu. This again from Gita Rest, calm. रिपोज सेन एबसेंस ऑफ पैशंस और रिस्ट्रेंट ऑफ पैशंस मेंटल क्वाइटनेस क्वाइटिजम एलेमेंट मिटिगेशन एलेविएशन सेटिसफैक्शन पैसिफिकेशन ऑफ ग्रीफ थर्स हंगर दमा दम भावे घए टेमिंग सबड्यूइंग सेल्फ कमांड सबड्यूइंग और कर्बिंग द पैशंस सेल्फ सेलफ रिस्ट्रेन्ग्रहो बाह्यवृत्ती दम थे। ड्रॉइंग द माइंड अवे फ्रॉम इविल डीड्स और कर्बिंग इट्स इल प्रोपेन्टीज कुता कर्मणों विप्र यच्च यितिवार सकीर्ति दम फर्मनेस ऑफ़ माइंड। तपाह। तपा तप वॉज डिस्क मे लाइफ बी मंत्र आर्टिकल नंबर एट क्रिया द्वितय भाग हाउ एव्री कर्म इज तप निवरलेस इन आपते डिक्शनरी तपस्टर तप असुन वार्म हीट फायर लाइट एक सूर्यस्तपसो योगा पेन सफरिंग न तप कुत न पेनास रिलीजियस फ्रॉस्टेरिटी मॉटिफिकेशन मेडिटेशन कनेक्टेड विद प्रैक्टिस ऑफ पर्सनल सेल्फ डिनाइल और बॉडीली मॉटिफिकेशन मॉरल वर्चू तपा शौचम शौच शुचेर्भाव अण प्यूरिटी क्लियरने काके शौचम दूतकारे चंप प्यूरिफिकेशन फ्रॉम पर्सनल डिफाइलमेंट काज बाय वहायडिंग एक्सक्रीमेंट बट पर्टिकुलरली बाय द डेथ पर्टिक्युल डेथ्थ रिटिव अया राम कृत शौचंपुरा तत्रह हवा शौच कर्तास् भार्गव क्लीन प्यूरिफाइंग, प्यूरीफाइंग ही, क्षम भावक्ति पेशेंस फॉर् बेरस फॉर् गिव्ने क्षातिश्चे वचन में कि अहिंसा सेम अगेन्धिश्लोक द स्टेट ऑफ ऑफ् सेंट्लीस्ट्रैक्शन आर्जव रुझोर्भाव अण स्ट्रीटने दूर याच्युदरच रोमलका नेत्रर्जव धाती स्ट्रेट फॉर्वेस rectitude of conduct uprightness honesty sincerity open heartedness simplicity humility ज्ञानम विज्ञानम ज्ञानम च विज्ञानम च इन मे लाइवी मंत्रम एम आर्टिकल नंबर 8 प्रिया योगा द्वितीयो भाग निर्व डिस्कशन अबाउट शास्त्र विधानोक्तम कर्म द साइंस डिटेलिंग द व्हाई ऑफ कर्म And the methodology, the how of karma. One can say that know how is jnanam and know why is vidyanam. Astikyam, astikata, astikattva, astikyam, belief in God, and another word, piety, faith, belief. Brahma karma, all the above together, that is, shamo damasta pashavcham, jnanam, vidyanam, astikyam. टुगेदर इज ब्रह्मकर्म स्वभाव स्वय भाव ज्यादा स्वभाव व्हाट् बिकम्स वंस नेचर नोट उपनयन संस्कार इज ऑल्सो कॉल ऐज व्रतबंध संस्कार व्रत वाव बंध बाइंडिंग व्रतबंध संस्कार मीन्स अचुअल टू टाइप दॉय बाय वाव टू सो अब बाय ब्रह्मकर्म दट इट बिकम्स वंस नेचर सी प्रशातात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित मनसंयमचित्त युक्त आसीत मत्पर गीता प्रशांत आत्मा ब्रिंगिंग क्वाइट्यूड ट्रैंक्विलिटी टू तो दि सोल विगतभ हैविंग नो फियर वॉट्स एवर मनयम कीपिंग माइंड अंडर कंट्रोल ब्रह्मचारी व्रते स्थित डिवोटेडी अबाईडिंग बै दि ऑफ ब्रह्मचर्य ब्रह्मकर्म मच्चिता meditating on me, yuktaha, entwined with me, matparaha, regarding nothing other than me, asita, you should stay. Note, here also there is mention of Brahmacharya Vrtam. An important part of a daily routine after Vrta Bandha samskara is Sandhya Vandana. See, Sandhya, the morning, noon and evening prayers of a Brahmana. Uthaya vashyakam krutva, kruta samahita, purvam sandhyam japam sthishthet, sukhalee, Chaparamchiram. chiram, the set of the three transitions of the sun during the day, sunrise, suryodaya, noon, madhyana, and sunset, suryastha. the period between sunrise and noon, suryodaya and madhyana, is purwana. the period between noon, madhyana, and sunset, suryastha, is upandha. sandhyavandhanani are to be performed thrice each day, Pratas Sandhya Vandanam, Madhyana Sandhya Vandanam and Sayam Sandhya at the three transition times of the sun. There are Sandhya Vandana and well-specified Vidhaya procedures or rituals for performing the Sandhya Since Sandhya are related to times of transition of the sun, they all eulogize the sun god and address prayers unto sun god.

very thoughtfully worked out by the Rishis to assign different Vedas to different family stocks so that all the Vedas will be preserved and propagated generation after generation. Even today there are family surnames as Vedi, Bedi, Dvi Vedi, Trivedi, Vedi. The basic point was about the traditions of Sandhya Vandana Mantra. In Shabda Maha, there is too much of detail. अबौट दुवर्ड संध्या एटिमलजी ऑफ् संध्या इज गिवन एज संध्या सं प्लस अस्याल्यई चिंतने आतश्चोपसर्गे इत्यं यद्वा संदातीती संधा अघ्नियादयच्च उन्ट्वेंटी टूट्य निपा काल विशेष सतु दिवस दिवा रात्रि तो दि द्वय रात्रिसबंधी दंडद्वयूप देर आर्ल्सो डिटेल्स सच एज हु इज एलिजिबल हु इज नॉट एलिजिबल टू डू संध्या उपासना इंटरेस्टिंगली से सर्व अवस्थोपियो विप्र सन्ध्योपासना तत्पर ब्राह्मण्याच न ही ये अंत्यजन्मगत रिफर्स टू अ पर्सन हु इज बॉर्न In a family of low caste, brahmanya achanahiyat endorses that even such person should observe brahmanyam and in turn be sanjopasana tatparaham. When it should be performed? When it may not be performed? Important point is that anybody, rather everybody, can and should observe brahmacharyam and practice sanjopasana as an integral part of it. इन मे लाइव बी मंत्र नंबर एट्ठ क्रिया द्विताग देडी ऑफ् दैवजुरुप्राज्ञ पूजन शौचमाजव ब्रह्मचर्यिंसा च शारीरम तप उच्यते इन द्लोका ओसो देर इज मेन्शन ऑफ ब्रह्मचर्य एज एंडन इंटीरियर पाट्स ऑफ शारीर तप विच इज फॉर एव्रीबडी ई थिंक द मीनंग ऑफ ब्राह्मणम एंड ब्रह्मचर्य ऑर् मीनंग ऑफ ब्रह्मण सेफ् हेज बी मिसअर्स्टुड एंड मिस्रजेंटेड डौन द एजेस एज ए ब्राह्मिक ब्राह्मिज्म इज अ कल्ट बाय इट्सेल्फ नो इट इज फॉर एवरीबडी एज इज वेल नोन दि बायोग्रफी ऑफ श्रीकृष्ण भगवा हिम सेल्फ हेज बीन अफ क्षत्रिय ही के सो मेनी डेमंडस् मर्सनरीज सेन्ट टू के ही येट इन ब्रह्मणों प्रतिष्ठा अमृत से व्यय से शाश्वत च धर्म से सुखस्का फोर्टीन डैश ट्वेंटी सवेन Sri Krishna Bhagavan declares himself to be Amrutasya Avyasya Brahmanaha Ahamhi Pratishtha I am the seed Pratishtha, I am the grace Pratishtha of the indelible, indelible, immortal, imperishable, non-diminishing, immutable Brahman I think there has been a great problem in proper understanding the concept of Chattopadhyayam also दिस् वर्ड फर्स्ट एपियर्स इन गीता इन चातुर्ण्यम मैं सृष्टि गुणकर्म विभागश तर कर्ता विद्यकर्ताम फोर डैश थर्टीन एज इज वेल नौन् चातुर्ण कंप्रजेज दि फोर वर्ण ब्रह्मकर्म क्षात्रकर्म वैश्यकर्म शूद्रकर्म ऑल दि फोर्वर्ण आ टूगेदर मेन्शंडन ब्राह्मण क्षत्रिषा शूद्राण्च पर कर्मा प्रभक्ता स्वभाव गुण 18 41. It is very clear from Karmani Pravibhaktani Bhaktani that the concept of Chaturanya is a concept of division of labor and not one of division of the society. The word Swabhava Prabhava also makes it clear that the division of labor should be on the basis of persons, skills, and aptitudes. So, Chaturanyam is a person specific concept, not at all family specific. Much less caste specific. It is well known that two boys born of the same parents do have very different skills and aptitudes. To somewhat reminisce on this topic, I may recall that on 26 June 1992, I came to read an article in Times of India. The title was "Dr. Ambedkar and the Gita." It was an article by Dr. Nalini Pandit and was reprinted by Times of India from. The Economist, London. In the epilogue, Dr. Nalini had given sort of her certificate to Dr. Ambedkar, saying something to the effect that Dr. Ambedkar seemed justified in his argument that Gita, by its corroboration of chaturvarna, endorsed casteism. I felt disturbed by this inappropriate link-up between chaturvarna and casteism. I did start writing a rejoinder, but then when scanning all the gita back and forth, i landed at, it is obvious that in this shloka, arjuna is uttering in one breath the words, Sankara, jati, and obviously, there was quite some confusion in arjuna's mind about the concept of varna and varna sankara, jati dharma, kula dharma. One reason why Gita proceeds further to 600 plus Shlokaha is because all such confusions in Arjuna's mind had to be removed. Sri Krishna Bhagavan did not counter Arjuna then and there. Important point is that chaturvaranam is a person specific concept. Even when saying so, given the Current COVID-19 situation, we are doing all the household chores ourselves. That includes quite some paricharyatmakam karma, such as sweeping the floor, cleansing the utensils. All such paricharyatmakam karma is is, in, is mentioned in Gita 18.44 as a shudra karma. Do I become shudra by doing such shudra karma? Maybe yes. At that instance, I am shudra. What's wrong in acknowledging that? When situation demands, I should not hesitate performing the shudra karma. So varnam is not even a person-specific concept; it is an instance-specific concept. I can be doing shudra karma in one instance and brahma karma in another. What then is my varanaha? I should acknowledge that doing shudra karma is not my Subhava prabhava guna; is not my main faculty. My varna. Is what my swabhava prabhava gunaha is, what my main faculty is. But that varnaha is also again not a label. It would not, it must not stop me from indulging in whichever karma is presented by the situation. The dictate is swadhyayan ma pramada. Whatever is to be done by me, whatever is my swadhyaya in a given situation, I shall do that. सीम्स स्वाध्याया प्रमदीबीय मंत्र विच वुड शुड ओवरराइड ऑल अदर मंत्रा ब्रह्मचर्यम इज़ द फर्स्ट ऑफ दि फोर्श्रमा नोट आश्रमा इज़ पुिंगं प्रथमा बहुचनम ऑफ आश्रम इन अपटेडिशनरी आश्रम आश्रमम आश्रम आधारे हर्मिटेज हट सेल ड्वेलिंग और अबोर्ड ऑफ एसेटिक्स अ स्टेज ऑर्डर और पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ अ ब्राह्मण दीज आर फोर ब्रह्मचर्य द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट गास्थ्य द लाइफ ऑफ अ हाउसहोल्डर, वानप्रस्थ द लाइफ ऑफ अ मे हर्मिट एंड सन्यास द लाइफ ऑफ रनसीएशन नोट आश्रम इज फ्रॉम धातु श्रम डिटेल्ड एज झीरो श्रम श्रमु तपसी खेदे च दिवादी सकर्म कहा सेट टू डू पेनान्स टू बी फटीग्ड टू बी टायर्ड आश्रम इज वेर इज़ ऑब्ज़र्व आश्रम ऑल्सो इज़ वेर इज रिलीव्ड ऑल दी फोर दोर् आर आर्जोल्यूशन टू एडॉप्ट रिस्पेक्टिव लाइफ ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्याश्रम बिगिन्स विजोल्यूशन टू बी स्टूडियस टू बी स्टूडियस ओनली गास्थ्यम दटट इज गृहस्थाश्रम बिगिन्स विद अ रेजोल्यूशन, टू बी अ रेस्पॉन्सिबल हाउस होलर वानप्रस्थाश्रम बिगिन्स विद अ रेजोल्यूशन टू एडॉप्ट दाइफ स्टाइल ऑफ अ हर मिट संस बिगिन्स विद अ रेजोल्यूशन टू रिनाउंस ऑल वर्ल्ड इंटरेस्ट देर आर मंत्र टू मेक द रेजोल्यूशन मंत्र विच ऑलसो लेंक्टिटी to The resolutions. If the respective lifestyles be led conscientiously and appropriately, they will conform to the mantra related to those lifestyles. It will be good to be knowledgeable of the mantra and always make life mantramayam. Shubhamastu.